दुर्गे स्मृता हरसिभि तिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता। ओम दुर्गा देव्यै नमः। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। शुभ नवरात्र, नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा, और मेरे साथ आपके नवरात्र को और शुभता प्रदान करने के लिए मौजूद है आपके हर एक सवालों के समाधान के साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपने भक्तों का कल्याण करने और रही है शक्ति। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र जय माता दी। जी हाँ, तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, और इसलिए हम नवरात्र शुरू होने से पहले ही आपके लिए कालचक्र की ये खास पेशकश जय माता दी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज से लेकर पूरे नवरात्र हम आपको माँ अम्बे की कृपा पाने के अलग अलग उपाय और नवरात्र से जुड़ी खास जानकारियां देंगे। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ही आज कालचक्र में आप ये जानेंगे कि नवरात्र की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, घट स्थापना का मंगल मुहूर्त क्या है, कैसे ये नवरात्र आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी, शुभकारी और सौभाग्यशाली साबित होगी, कैसे इस नवरात्र माँ अम्बे की आराधना से पूरी होगी आपकी हर एक मनोकामना, इसके बारे में भी आज पंडित जी से आपको कालचक्र में हम विशेष जानकारियां देने वाले हैं। नवरात्र से जुड़ा आपका कोई भी अगर कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है आपके मन में, तो आप इस दौरान जब कार्यक्रम चल रहा है हमें फोन कर सकते हैं और लाइव पंडित जी से बात कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नीचे स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी होता है, 01206625411। तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, और कल की तैयारी आज से कालचक्र में हमेशा से हमारा ये ध्येय रहा है ताकि कुछ छूट न जाए आपसे, तो ऐसे में इसलिए आज ये विशेष अंक हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले तो नवरात्र पर आप ये भी जानना चाहेंगे कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, तो पंडित जी घट स्थापना का मुहूर्त बताइए। लेकिन दो तीन चीजें इसके साथ में और जोड़ देती हूँ। हर बार कहा जाता है माँ इस पर आ रही हैं, हाथी पर सवार होकर घोड़े, अलग अलग तरीके से माँ आती हैं, तो इस बार उसका क्या विधान बन रहा है, ये कितना शुभकारी हितकारी रहने वाला है या फिर कुछ डर भी है। दूसरा, अभी जब आपने शुभ मुहूर्त बताया तो अमावस्या तिथि का भी जिक्र किया आज, तो कल की तैयारी जब हम आज करेंगे अमावस्या पर, तो क्या वो कल के लिए ठीक रहेगा ऐसा करना? बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, 100% ठीक रहेगा। अच्छा, हाँ, हर समय तैयारी अमावस्या में ही की जाती है। अच्छा। जैसे कल से किसी को सत्चंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ करना है तो वो कल रचना थोड़ी होगी। हाँ, सारी वो जो गौरी तिलक मंडल बनेगा, जो मतलब कि नवग्रह मंडल बनेगा, जो चतुष्खष्ट योगिनी बनेंगी और जो षोडश मातृका बनेंगी, जो वास्तु की पीठ बनेगी, जो एको न पंचाशत क्षेत्रपाल की पीठ बनेगी, जो मतलब कि एक लिंग तो भद्र की पीठ बनेगी, वो आज ही बनेगी। अच्छा। अगर आज नहीं बनेगी तो कल सुबह कब बनाएंगे, कब उसके बाद में स्थापना होगी, कब उसके बाद पूजा होगी? अमावस्या तिथि कितने बजे तक? आज रात 12:28 तक। अच्छा, 12:28 तक। हाँ, तब तो अमावस्या में कुछ करना बुरा नहीं है, अमावस्या में कुछ करना बुरा नहीं है, तैयारी करना बुरा नहीं है, तैयारी करना कोई बुराई नहीं है, ये मन से भ्रम निकाल देना चाहिए। अमावस्या में निषेध क्या होता है? कुछ निषेध नहीं होता है, अमावस्या में चंद्रबल क्षीण होता है। अमावस्या में जब चंद्रबल क्षीण होता है तो अमावस्या में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, इससे जो बच्चे पैदा होते हैं अधम योग में पैदा होते हैं और वो जिंदगी भर बेचारे मतलब संघर्ष और दुख भोगते हैं। अमावस्या तिथि में कोई शुभ कार्य, विवाह, शादी, मुंडन संस्कार, जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये सब नहीं करना चाहिए। अमावस्या में पितरों के लिए कर्म ज़्यादा करना चाहिए, पितरों के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए ज्यादा कर्म करना चाहिए, अमावस्या इन सब चीजों के लिए है। ठीक है पंडित जी, तो घट स्थापना अब आ जाते हैं कल के लिए, टाइमिंग्स क्या है? देखो ऐसा है कि बताना चाहूंगा कि शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि में घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो कन्या लग्न में है, जो 1:06 का है। कल सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक ये मुहूर्त है। आप अगर आज से पूरी तैयारी कस करके रखिए तो कल ये आपकी कलश स्थापना समय से हो पाएगी, सुबह 6:15 से 7:22 के बीच में।
अभिजीत मुहूर्त कल सुबह 11:46 से 12:33 तक और चौघड़िया मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। जैसे चर लग्न है चौघड़िया मुहूर्त का सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक। लाभ लग्न है कल दोपहर 12:10 से दोपहर 1:38 तक। जो तुमने पूछा कि कैसे आ रही हैं भगवती, तो वो आ रही हैं इस बार पालकी पर। अच्छा, दुर्गा जी का आगमन इस बार पालकी पर हो सवार होकर आ रही हैं। ये अपने देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ठीक नहीं माना जाता है। पालकी पर जब देवी आती हैं तो सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों चीजों के लिए ये ठीक नहीं माना गया है। पिछले 2-3 साल में लगातार ही ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। पिछले बार हाथी पर भी आई थी, वो शुभ होता है। हाँ, वो शुभ होता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस बार पालकी पर तो ये ठीक है। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी, किन राशियों के लिए क्या सावधानियां, सब कुछ आज विशेषकर पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अब कौन सा नवरात्र किस दिन पड़ रहा है और हर दिन का क्या महत्व है, हर दिन देवी दुर्गा की पूजा आपको कैसे करनी है, हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं 3 अक्टूबर से, क्योंकि शुरुआत हो रही है पंडित जी एक एक करके हर दिन। देखो ऐसा है आशा, हमारे यहाँ देवी जी के नवरात्र के 9 दिनों को 9 देवी के रूपों में पूजा जाता है। इसको कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी चाष्टमम अष्टमम सिद्धिदात्री च अष्टमा तु महागौरी नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गा के 9 दिन हैं। तो नवरात्र का पहला दिन 3 अक्टूबर को कल पड़ रहा है, तो कल नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है, मतलब हिमालय की छोटी सी पुत्री के रूप में भगवती की आराधना होती है। और माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शैलपुत्री की पूजा में सफेद तिल, दूध, सफेद चंदन, बेलपत्र, मखाना, ये सब वस्तुएं जरूर चढ़ानी चाहिए। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सारे मनोकामना की पूर्ति होती है। 4 अक्टूबर शुक्रवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यही देवी शैलपुत्री जब भगवान शिव के लिए उग्र तपस्या करने लगती हैं श्वेत परिधान में, कछुक दिना वारी बतासा, हवा पी करके, बेल की सूखी पत्तियां खा करके, शरीर को सुखा करके, भगवान शिव के लिए जब एकदम त्याग तपस्या में वैराग्य में लग जाती हैं तो इनका ब्रह्मचारिणी स्वरूप हो जाता है। इस स्वरूप की पूजा करने से निश्चित रूप से आदमी के अंदर संयम, विवेक, एक तेज, एक ओज जागृत होता है। ऐसा व्यक्ति कभी संघर्षों से और असंभव से असंभव कार्यों से भी डरता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने इरादे पर अटल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, चाहे उसे सैकड़ों बार असफलता मिले लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसी अवस्था में सप्तऋषियों से माता शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी रूप में सप्तऋषियों से कहा था कि कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहु संभुनत रहु कुंवारी, 1 करोड़ बार अगर मैं जन्म लूंगी तो भी अपना हठ और तपस्या नहीं छोड़ूंगी, या तो शंकर से विवाह करूंगी या तो कुंवारी मर जाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है माँ ब्रह्मचारिणी की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। जिसके अंदर ये इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति अपने जीवन के प्रति आ जाए वो माँ ब्रह्मचारिणी का भक्त है। हर परिस्थिति में जो भी ये प्राप्त कर ले वो ब्रह्मचारिणी का भक्त है। 5 अक्टूबर शनिवार नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की उपासना की जाती है। चंद्रघंटा का मतलब
देवी के हाथ के दाहिने हाथ में एक घंटा विराजमान होता है और ये घंटा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बजता है। जब माँ संपूर्ण विश्व का कल्याण करने चलती हैं तब इनका चंद्र घंटा रूप में पूजन होता है। ऐसा आदमी किसी से वैर विरोध नहीं करता है। इसी ऐसे ही लोगों के लिए भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। हे उमा, हे पार्वती, जो राम के चरण में रत हैं, जिन्होंने काम क्रोध और मद को त्याग दिया है, वो इस संपूर्ण संसार को अपने प्रभु का ही रूप देखते हैं, इसलिए वो किसका विरोध करें। अर्थात ये संपूर्ण चराचर जगत उनके प्रभु का ही स्वरूप है, इसलिए ऐसे लोग किसी से भी द्रोह नहीं करते हैं। और जो लोग माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग कभी किसी से वैर विरोध नहीं करते हैं। अपने साथ वैर विरोध करने वालों के लिए भी भगवान से कल्याण की कामना करते हैं। पाप ताप और सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाला है ये नवरात्र का तीसरा दिन। अब 6 अक्टूबर रविवार, नवरात्रि का चौथा दिन। ये नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। कुष्मा उष्मा, जिसके उदर में उष्मा विराजमान हो, ये माता कुष्मांडा का है स्वरूप। ये भक्तों को रोग शोक और विनाश से मुक्त कराती हैं और लंबी आयु, यश, बल, बुद्धि प्रदान करती हैं। इसी तरह से जो 7 अक्टूबर है, सोमवार का दिन, ये नवरात्र का पांचवा दिन है। नवरात्र में पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसमें माता के साथ स्वामी कार्तिकेय की भी ध्यान किया जाता है। माता के साथ स्वामी कार्तिकेय विराजमान होते हैं। स्कंद नाम स्वामी कार्तिकेय का ही है। उनको खडानन भी कहते हैं, कार्तिकेय भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं। ये भगवती जब स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय को गोद में लेकर के रहती हैं तो ये स्कंद माता होती हैं। इस रूप में इनकी पूजा करने से हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय होती है। और ये ममता का स्वरूप है माता का। माता का ये ममतामयी रूप है। इस रूप को पूजा करने से निश्चित रूप से हर प्रकार के कल्याण का अभ्युदय होता है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। जिनकी संतान नहीं है वो माँ के इस रूप में गोद भरने की अगर प्रार्थना करें तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 8 अक्टूबर दिन मंगलवार, नवरात्रि का छठा दिन, माँ दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी कौन है? एक अस्ता तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम्दशा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब दैत्यों के आतंक से कुपित होकर के अपनी भौहें टेढ़ी की तो उनके शरीर से ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों से एक तेज निकला। एक अस्था तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम्दशा, और तीनों तेज के मिलने से एक ऐसे नारी का निर्माण हुआ जो तीनों लोकों को आच्छादित करती हुई थी। देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो उनका आकार थोड़ा सा सामान्य हुआ। और चूंकि वो कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इन्हीं को माँ दुर्गा भी कहते हैं। और इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए असुरों का संहार किया, देवताओं को त्राण दिया। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 9 अक्टूबर बुधवार, नवरात्रि का सातवां दिन है। नवरात्रि के सातवें दिन माता का आदिशक्ति माँ कालरात्रि के पूजा का विधान है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदारुणा, ये महाकाली के स्वरूप की पूजा की जाती है। ये कालरात्रि
काल का भी दमन करने में सक्षम है। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय, तंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके, भूत प्रेत पिशाच सभी भय को समाप्त करने वाली ये देवी हैं। नौकरी या संपत्ति से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर करती हैं। इनकी पूजा से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी पूजा करने वाले को कभी शत्रु का भय नहीं रहता है तो नहीं रहता है। 10 अक्टूबर गुरुवार महाअष्टमी नवरात्रि के 8वें दिन माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। जिस स्वरूप की पूजा माता सीता ने जनकपुर में की थी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तो माँ सीता ने जिस स्वरूप की पूजा की थी वो माँ गौरी की पूजा की थी, महागौरी की पूजा की थी। माँ की इस उपासना से कन्याओं को उनका योग्य मनपसंद जीवन साथी मिलता है, विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। कुंवारी कन्याएं अगर महागौरी की उपासना करें तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं, उन्हें चिरंजीव दीर्घायु तेजस्वी वर की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 11 अक्टूबर शुक्रवार को महानवमी, माँ दुर्गा की नवमी शक्ति सिद्धिदात्री हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा है, जिस दिन रावण का वध होगा, अधर्म पर धर्म की विजय होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो 10 दिनों का पूरा लेखा जोखा, इसका पूरा ज्ञान पंडित जी ने आपको दिया। इस नवरात्र में किस दिन आपके लिए खास है, किस ध्येय के साथ आप माँ की आराधना कर रहे हैं, कौन सा दिन सबसे शुभकारी हितकारी और कैसे होगा, पंडित जी ने आपको बताया। अब आप जानते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि का त्यौहार आता है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 1 चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जो कि अभी चल रही है शारदीय नवरात्रि। तो इसका क्या महत्व होता है, ये चारों ही नवरात्र पंडित जी मैं बात करूँ, इनका क्या महत्व है, और पता भी नहीं, 2 नवरात्र जो गुप्त नवरात्र होते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता, क्या महत्व है चारों का ही? देखो ऐसा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शरद ऋतु में माँ दुर्गा की पूजा करता है उसे शिवलोक में स्थान मिलता है जी। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर संपत्ति, सौभाग्य और संतान का सुख प्राप्त करता है। देवी भागवत पुराण के 5वें स्कंध के अनुसार जो व्यक्ति आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत श्रद्धा भाव से रखता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शारदीय नवरात्र में देवी भागवत पुराण पढ़ना या सुनना चाहिए। देवी भागवत महापुराण के 27वें अध्याय में व्यास जी ने नवरात्र व्रत की महिमा बताई है। चैत्र और आश्विन मास में चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं वो इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि ये व्रत धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान की वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य को देने वाला, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। पूरे नवरात्र जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें सिर्फ 3 दिन व्रत कर लेना चाहिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। इन 3 रात्रियों में देवी का पूजन करने से भी नवरात्र के बराबर ही फल प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये सप्तमी, अष्टमी, नवमी बहुत महत्वपूर्ण है पंडित जी, मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी चाहूंगी। लेकिन इस वक्त हरीश जी हमारे साथ कानपुर से एक कॉलर है, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए हरीश जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम हरीश चंद्र है जी। मैं इलेक्ट्रॉनिक और बिजली का कार्य करता हूँ जी। दुकान थी, मेरी दुकान खत्म हो गई, इस समय मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। और आज 2-3 महीने से मेरा कोई काम धंधा नहीं चल रहा है और मेरा बहुत बदन टूटता है, मेरा शारीरिक बहुत कष्ट है, इसका कोई उपाय बताए?
देखिए चंद्र मंगल की स्थिति चतुर्थ दशम है, काम तो बिल्कुल ख़त्म और न के बराबर है, और उसके पीछे जो मैं कारण समझ पा रहा हूँ वो कारण ये है कि थोड़ा सा धनाभाव हो गया है, पूंजी का अभाव है, जिसके कारण आपके अंदर ऊर्जा होते हुए भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे अच्छा है आप पूरे नवरात्र, अगर हो सके तो कल से नौ दिन के नवरात्रों के व्रत करें, पति पत्नी दोनों, अगर संभव हो तो। और अगर नवरात्र का व्रत नहीं कर सकते हैं तो तब तक व्रत करें दिन में जब तक भगवती की उपासना आराधना न कर लें। उपासना में आपको क्या करना है, अगर आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में आप जो दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उन 108 नामों को आप 10 बार पढ़ने की कोशिश करिए सुबह और शाम। पूरे नवरात्र अगर आपने ये क्रम कर लिया तो नवरात्र के बाद निश्चित रूप से आपके आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आप सुखी और संपन्नता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये उपाय आपको हर नवरात्रों में करते रहना चाहिए। जय मां बिंदीवास। तरुण भी है हमारे साथ बेंगलुरु से, एक और कॉलर। तरुण जी प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार, नमस्कार पंडित जी। तरुण, हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म 3/9/1981 को हुआ है, 1981 को जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, और बेंगलोर में जन्म हुआ है। हेलो, हाँ, क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कुंडली में कोई सर्व काल सर्व दोष वगैरह कुछ है क्या, और मेरे पत्नी के इसमें भी जानना चाहता हूँ। उनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1983 का, सुबह 7:15 बजे ग्वालियर का जन्म है उनका। तो हम दोनों की कुंडली में मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो सफलता नहीं हो पा रही, और कभी कभी कुछ ना कुछ रुकावटें आती जा रही है। तो आप कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए, कुछ काल सब दोष कुछ है उसका कुछ निवारण करना है या कुछ है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, आपकी मर्जी हो काल सर्व दोष मानना हो आप मान लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं 50 साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, कभी मैंने काल सर्प दोष ज्योतिष के किसी ग्रंथ में आज तक पाया नहीं है। ये आधुनिक लोगों की सोच है, आधुनिक लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए काल सर्प योग का मनगढ़ंत प्रचलन किया है। अब आपको मानना हो मान लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, और ना आज तक मैंने किसी को बताया है कि आपको काल सर्प योग है, न किसी हमारे ऋषि मुनि और 18 ज्योतिष के प्रणेता हैं उन्होंने कहा है काल सर्प योग होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर इस नकारात्मक सोच से आप घिरे रहेंगे कि काल सर्प दोष होता है तो कभी आपका भाग्योदय नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरु भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो बनना है वो सोचो, और जो सोचोगे वही बनोगे। तो अगर आप काल सर्प दोष ही सोचेंगे तो काल सर्प दोष नहीं भी होगा तो आपके सर पे काल सर्प दोष मंडराएगा। आप ये सोचिए कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं और अत्यंत पुण्यात्मा होकर के आप जीवन जिएंगे, आप ऐसा सोचिए। अगर सोचना ही है तो निगेटिव मत सोचिए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। और काल सर्प सचमुच में कुछ होता ही नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पत्नी के बारे में बात किया है, वो सुलक्षणा हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन पुरुषार्थ आपको करना है, काम में सफलता आपको पानी है। इसलिए आप इस नवरात्र भगवती की उपासना करिए और नित्य देवी जी के कवच का पाठ करिए, अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना का पाठ करिए। सुबह शाम ये पाठ 9 दिन तक संयम पूर्वक करिए और पूरे सात्विक तरीके से आहार विहार करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जो लोग बहुत सारे नियम कर्म नहीं कर पाते हैं इस दौरान भी नवरात्रि में, जो चाहते हैं कि थोड़ा विधिवत पूजा तो जरूर कर ले हम, तो आपने बताया कि जो व्रत नहीं कर सकते, कम से कम जब तक वो पूजा संपन्न ना कर लें तब तक कुछ भी ना खाए पिए, ये करना एक पहली बात। लेकिन नियमतः अगर पूजा करनी है तो जैसे आपने कहा कि क्षमा प्रार्थना जो होती है बाद में, 4th अध्याय, एक कोई मैं चीज़ पूछूं कि किसका पाठ किया जाना चाहिए कि आपकी पूजा संपन्न हो जाए, तो वो क्या होगा, विधि क्या हो उसके लिए?
उसके लिए बस ये होगा कि तब आप सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा है जी। सात मंत्र हैं उसमें जी। इन सात मंत्रों का पाठ करने से पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। ओम ज्ञानिनाम अपचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीतमशेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतमती शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायण नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देव दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनम। अगर आपके पास पाठ करने का समय नहीं है, व्यस्तता है, या आप मतलब यात्रा में हैं, या आप ऐसी जगह पर हैं कि विवस्ता में हैं, तो इन सात मंत्रों को कंठस्थ कर लीजिए और नित्य प्रातः स्नान के बाद इन पांच मंत्रों का स्मरण करिए। इन पांच मंत्रों को बोलिए तो भगवती के पूजा का विधान हर समय आपको पूरा रहेगा। कितनी बार पंडित जी? सिर्फ पांच, एक एक बार भी पढ़ लें तो? एक बार भी पढ़ लीजिए तो बहुत हो जाएगा। इसी तरह से आशा श्रीमद् भागवत पुराण है, भागवत पुराण में चतुश्लोकी भागवत है जिसमें चार श्लोक हैं, उन चार श्लोकों को पढ़ने से भी भागवत पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। सप्त श्लोकी गीता है, गीता के भी सात श्लोकों का पाठ करने से पूरे गीता का फल मिलता है। इसी तरह से ये सप्त श्लोकी जो है, ये सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है, ये सात श्लोक पढ़ने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। कल से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कलश स्थापना की। आखिर नवरात्र में कलश क्यों स्थापित किया जाता है, साथ ही कलश स्थापना की सही और सटीक विधि क्या है, ये जान लीजिए ताकि कोई गलती आपसे ना हो पाए। और बहुत ध्यान से सुनिएगा पंडित जी, ये बता दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है सही विधि से। आपने कहा भी धर्म दो धारी तलवार। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कहते हैं कलश के मुख में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और कंठ में भगवान शिव का वास होता है, इसके मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कलश के बीच में दैवी शक्तियां निवास करती हैं, कलश में दिक्पाल देवता, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सभी नक्षत्र, ग्रह, कुल पर्वत, गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, चारों वेद निवास करते हैं। कलश में भरा जल क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसी बुरी भावनाओं से हमें दूर रखता है। कलश को मंगल कामनाओं, शुभता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना के लिए तांबे या पीतल का कलश सबसे उत्तम माना जाता है। अगर तांबे और पीतल का कलश नहीं है तो आपको चाहिए कि आप मिट्टी के कलश को भी स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले जहां आपको कलश स्थापित करना है वहां आप अच्छी मिट्टी जिसमें थोड़ी सी बालू मिला लें और उसमें एक दिन पहले से भिगोया हुआ, आज ही भिगो दीजिएगा सप्त धान्य, और वो सप्त धान्य कल सुबह निकाल करके उस मिट्टी में मिला करके उसकी एक परत बिछा करके उसके ऊपर कलश रख करके और कलश में जल भर करके शुद्ध जल और पंचपल्लव लगा करके उसके ऊपर एक मिट्टी का करवा रख करके उसमें चावल भर करके और एक नारियल उसके ऊपर चुन्नी लपेट के कलावे से बांधकर ऐसा रखिएगा कि नारियल का ऊपरी हिस्सा जो ऊपर की तरफ होता है आपकी तरफ हो, बीच में जौ न डालें वरना कलश के कारण बीच में जौ दब सकती है। जौ के ऊपर फिर से मिट्टी की परत डालें, अब कलश के कंठ पर कलावा बांधें, कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, कलश से शुद्ध जल गंगा जल ऊपर तक भरें,
कलश में साबू, सुपारी, दुर्वा, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्का डाल दें। ये कब डालेंगे? जब स्थापना के लिए मंत्र बोलने लगेंगे पंडित जी, तब। आज ही से मत ये सब डाल दीजिएगा, अभी केवल कलश रख दीजिएगा। कल डालने वाला सारा कार्यक्रम कल होगा। कल जल भरा जाएगा, कल पंचपल्लव रखा जाएगा, कल उसमें सुपारी डाली जाएगी, कल उसमें दुर्वा डाला जाएगा, कल उसमें कुसा डाला जाएगा, कल उसमें एक सिक्का डाला जाएगा, ये सब कल होगा। और कलश में अशोक आम के ये पांच पत्ते भी रखने चाहिए, मैं तो कहूँगा पंचपल्लव, वटवृक्ष का भी पत्ता, पीपल का भी पत्ता, अशोक का भी पत्ता, आम का भी पत्ता, इस तरह से पांच प्रकार के पल्लव जो है लगाने चाहिए। और कलश का मुख जो है वो एक मिट्टी के करवे को ऊपर चावल भर करके रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, ढक्कन में चावल भर दें और उसके ऊपर आप एक नारियल की स्थापना करेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बीच में आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, वो ये कि जब ये कलश स्थापना की विधि आप बता रहे हैं, तो आपने कहा कि नारियल रखना है उस पर। अब यहाँ नवरात्र की पूजा में कितने नारियल स्थापित करने चाहिए? एक होना चाहिए, दो होना चाहिए? और कलश का नारियल जो होता है वो किस तरह से रखा जाना चाहिए? देखो, कलश दो होते हैं, एक वरुण कलश होता है, एक स्थापना कलश होता है। वरुण कलश वो होता है जिसमें जल भरा जाता है, जिसमें जल भरा जाता है, जो नीचे चौकी के नीचे स्थापित किया जाता है, मिट्टी के ऊपर जिसमें जौ जमता है। जी जी, चारों तरफ से जौ जम जाता है, नौ दिनों के अंदर पूरा कलश जो है वो जौ से आच्छादित हो जाता है, जौ भी और सप्त धान्य भी बोया जाता है, वो वरुण कलश है। उस वरुण कलश में सातों समुद्रों का आवाहन होता है। अच्छा। और वही वरुण कलश जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उसी का जल जिसके ऊपर छिड़का जाता है और जिसको उस जल का पान कराया जाता है, जहाँ वो जल छिड़क दिया जाता है वहाँ से सब प्रकार का वास्तु दोष, रोग शोक नष्ट होते हैं, उस जल की ये महानता है। जी। और दूसरा कलश जो होता है वो इस वरुण कलश के ठीक पीछे पूर्व दिशा में एक आम की चौकी होनी चाहिए, आम के लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके और कलावे से उसको अच्छे से बांध करके उस पर अगर आपको आता है गौरी तिलक मंडल बनाना तो बना लें, सर्वतोभद्र मंडल आता है तो बना लें, नहीं तो अष्टदल कमल चावल से बना लें। अष्टदल कमल भी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो स्वास्तिक बना लें। और उस पर एक तांबे का लोटा जिसमें कम से कम एक किलो चावल आ जाए, इतना बड़ा लोटा, उसमें चावल भर दें, चावल के ऊपर एक गरी गोला, गरी गोले के साथ एक कील लगा लें, कील लोहे की। अच्छा, ठीक है, अगर सामर्थ्य आपके पास है तो सोने का भी आप कुछ लगा सकते हैं, नहीं तो लोहे की कील लगा लें। और एक ब्लाउज पीस जो है लाल रंग का, उसको ऐसे लपेटें गरी गोला में कि वो पिरामिड का आकार बन जाए, उसका आकार जो हो जाए वो पिरामिड की तरह हो जाए, और उसको उसी कलश के ऊपर, चावल के ऊपर स्थापित कर दें। ये आपका प्रतिष्ठा कलश हो गया। अच्छा। इसमें आप भगवती दुर्गा और नौ देवियों की शक्ति का आवाहन करेंगे और नीचे आप कलश में स्थापना करेंगे, वरुण का आवाहन करेंगे। ठीक है। और जो वरुण कलश पर नारियल चढ़ाया जाएगा वो जटाधारी नारियल होगा। हाँ। उसकी पूरी जटा होगी, वो जटाधारी नारियल होगा, उसका मुंह आपकी तरफ होगा, अर्थात पूजा करने वाले की तरफ होगा, और गरी गोला जो होगा उसका पतला हिस्सा ऊपर की तरफ होगा, और वो मतलब कि जो है कलश के चावल के ऊपर ब्लाउज पीस में लपेट करके लोहे की कील के साथ स्थापित किया जाएगा। ये जो चौकी आप बता रहे पंडित जी, आम की चौकी, आम की लकड़ी की चौकी, आम की लकड़ी की चौकी, तो आजकल तो बड़ी खूबसूरत चौकियां मिलती हैं, लेकिन वो आम का है कि नहीं है, क्योंकि बड़ी बार, ठीक है, इसके लिए भी एक उपाय है। उपाय ये है कि आपके घर में चंदन होगा। हाँ। आप चंदन घिस लीजिए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल के, और अगर आपको पता नहीं है किस लकड़ी की चौकी है। हाँ। तो उस चंदन से पूरे चौकी पर आप लेप कर दीजिए। अच्छा। और लेप करने के बाद तब कपड़ा बिछा करके और आप उस पर प्रयोग करिए, तो आप वो पवित्र चौकी हो जाएगी। अच्छा। वो चौकी पवित्र हो जाएगी। वैसे तो शास्त्रों में विधान है चंदन के लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जानती हो मानस पूजा में जब वर्णन आता है, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धारा भीरा प्राविताम नाना नर्घ प्रवाण मणि दत्ताम गृहाणाम्बिके
आमृष्टामसुर सुंदरी भीर्भितो हस्तांबुजे भक्तितो माता सुंदरी भक्त कल्पलति के श्रीपादुकाम मादरात। अब ये आसन का मंत्र आ रहा है। देवेन्द्राधिभिरचितम सुरगणैरादाय सिंहासनम चंचत कांचन संचयाभिरचितम चारु प्रभा भास्वरम एतत् चंपक केतकी परिमलम तैलम महानिर्मलम गंधोद्वर्तन मादरेण तरुणी दत्तम गृहाणाम्बिके। आशा ये भाव समझो, दिव्य मणियों से जटित एक दिव्य मंदिर, विशाल मंदिर है, उसमें आकाश मार्ग से आकर के भगवती दुर्गा उपस्थित हो रही हैं और उनकी सेवा में स्वर्ग से अप्सराएं सुंदर सुंदर जूतियां लेकर के एकदम स्वच्छता के साथ रेशमी कपड़े में लपेटकर उनके सामने प्रस्तुत करती हैं और माता उन जूतियों को अपनी चरण पादुकाओं को धारण करती हैं और उसके ठीक उत्तर तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 10 हाथ की दूरी पर देवराज इंद्र सोने का सिंहासन लेकर के स्वर्गलोक से आए हुए हैं, जो भांत भांत के सोने से चमचम चमचम चमक रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के मणि मोती माणिक्य लगे हुए हैं और सची के साथ देवराज इंद्र हाथ जोड़कर झुके हुए हैं कि हे जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा, आप इस आसन को स्वीकार करें। और माँ धीरे धीरे जा करके उस आसन को स्वीकार करती हैं। माँ के सिंहासन का ये स्वरूप है और हर भक्त को इसी स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कालचक्र के दर्शकों के लिए तो आप वो मानस पूजा पंडित जी यूं ही कार्यक्रम में करवा देते हैं। इसलिए एक चीज मैं कह लूं पंडित जी, पूरे 9 दिन जरूर देखिएगा आपकी पूजा से आप क्या गलतियां कर रहे हो, उस उपासना से आपको कितना फल प्राप्त हो रहा है। इतना जरूर मैं कह सकती हूँ यहाँ बैठ के जो हम महसूस करते हैं कि आपको कम से कम माँ की पूजा का आधा फल तो जरूर प्राप्त हो जाएगा, जो पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं और जो तरीका मानस पूजा के जरिए हम सभी के समक्ष आप पंडित जी रखते हैं, इसके लिए तो मैं आपका कोटि कोटि और हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और चीज़ इसके साथ मैं जानना चाहती हूँ, जो शास्त्रों में बताया गया है क्या उल्लेख मिलता है इसको लेकर के, ये जो हम बता रहे हैं कि पूजा करनी है, चौकी स्थापित करनी है, 2 कलश रखने हैं, उस पर किस प्रकार का गरी गोला रखना है, नारियल, शास्त्रों में क्या बताया गया है पंडित जी, उल्लेख क्या है? देखो बेटा, मैं कभी भी शास्त्र की परिधि से 1 सेंटीमीटर हट करके बात नहीं करता हूँ। जो कहीं उल्लेख है शास्त्रों में, उसी को मैं अपने शब्दों से कहने का प्रयास करता हूँ। शास्त्र की लीक से, शास्त्र की मर्यादा से एक तीर हटना मेरे बस की बात नहीं है। मैं शास्त्र की ही बात कहता हूँ, जो मेरा स्वाध्याय है, जो गुरुजनों के मुख से हमने सुना है, जो मतलब कि देवी के परम भागवत लोगों के मुख से हमने सुना है, वही चीज़ मैं दर्शकों को बताता हूँ। किसी तरह से उसमें अपनी बात कहीं नहीं मिलाता हूँ, ठीक है जी। और जानती हो, भगवती से जब हिमालय ने पूछा, वो तो उनकी पुत्री थी, पूछा कि तुम कहाँ रहती हो जी, तो उन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया? देवी भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है, ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, न वा करहिचित वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। हे पिताजी, मैं ना हम बसते कैलासे, मैं कैलाश पे नहीं रहती हूँ, ना वैकुंठे और वैकुंठ में भी नहीं रहती हूँ। ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, न वा करहिचित, और ना कहीं दूसरी जगह रहती हूँ, तो रहती कहाँ हो? वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मस्दे, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि देवी के भक्तों का सम्मान करने वाला देवी के पूजा का अपने आप अधिकारी हो जाता है। देवी के भक्तों की सम्मान करने वाला व्यक्ति जो है, देवी के कृपा प्रसाद से अपने आप कृतकृत्य हो जाता है। यही बात राम जी भी कहते हैं, यही बात राम जी भी सबरी को बता रहे हैं, सातों मोहिसम मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे ज़्यादा मेरे संतों की अगर आप मान्यता करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वस्य वस्त्रम ब्रहरो बुद्धे, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, ततस्मात् शुभम समुख्यम नारिकेलम। यानी कलश पर रखे नारियल का मुख नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ते हैं,
नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो तो रोग बढ़ते हैं। अब देखिए टेलीविजन पर जो चित्र दिखाया जाता है उसमें नारियल का मुंह ऊपर की तरफ करके दिखाया जाता है, तो भाई जो गूगल पूगल पे होगा वही सब चांप के लगा देते हैं, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। टीवी में तो नारियल का मुंह ऊपर है तो मैं भी ऊपर कर दूं ना, ऊपर की तरफ अगर आप मुंह करके नारियल रखेंगे तो घर से कभी रोग नहीं जाएगा। नारियल का मुंह अगर पूरब की तरफ रख देंगे तो इससे धन का नाश होगा, इसलिए नारियल की स्थापना कलश के ऊपर हमेशा साधक के मुख की तरफ होनी चाहिए, माने पश्चिम तरफ उसका मुंह होना चाहिए। और नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। कलश पर रखे जाने वाले नारियल को लाल कपड़े और कलावे से लपेट करके रखें और कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें, कलश को धूप दीप दिखाएं, कलश को माला अर्पित करें, कलश को फल मिठाई अर्पित करें, बाकी शास्त्र सम्मत जितने विधान हैं करें, कलश को इत्र समर्पित करें, घट स्थापना के साथ दीपक की स्थापना करें, पूजा के समय घी का दिया जलाएं, दीपक का भी गंधाक्षत पुष्प धूप से पूजन करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब गणेश जी की पूजा और नवग्रहों की पूजा, हर बार आप बताते हैं ना कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा, ये एक विधान भी है, तो अभी भी जो एक हमारा तरीका, अब नवरात्रि में तो विशेष पूजा की जाती है, तो वो जो तरीका है घर में पूजा बाकी देवताओं की कब करनी है और देवी की पूजा कब करनी है, किस प्रकार की होनी चाहिए, और गणेश पूजन क्या इसमें भी प्रथम होना चाहिए, और नवग्रह की पूजा कब की जानी? कलौ चंडी विनायक, चाहे छोटी से छोटी पूजा हो और चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, बिना गणेश की पूजा से कोई भी सनातनी कार्य शुरू ही नहीं हो सकता है। अच्छा। और अगर किसी ने शुरू करने का दुस्साहस किया तो वो पूर्ण नहीं हो सकता है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में सबसे पहले चंडी और विनायक की ही पूजा होगी, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु शिव और सूर्य की पूजा होगी, यही पंचायतन पंचदेव कहलाते हैं। मतलब गणेश जी की और फिर चंडी माँ की पूजा। हाँ। और फिर शिव जी और हाँ विष्णु जी की और सूर्य की पूजा होगी, यही पंचायतन कहलाते हैं, इन्हीं को पंचांग पूजन भी कहा जाता है। हम रोजाना भी जो नित्य पूजा करते हैं उसमें उनमें भी इन पांचों का क्रम होना चाहिए। और पहले अगर आप ध्यान करते हैं तो मानसिक पूजा भी आप करते हैं तो पहले गणेश जी का ही आप ध्यान करेंगे, पहले आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद आप माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे, उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु शिव और आप सूर्य का तो ध्यान ये, करेंगे। ये जो ध्यान है पंडित जी ओम गं गणपताय नमः, इसके जरिए भी हो सकता है इतना हो सकता है, लेकिन नित्य कर्म पूजा प्रकाश में बड़ा अच्छा सा एक श्लोक है, प्रातर स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चन्न दंड माखंडलादि सुरनायक बिंद वंद्यम। ये मतलब कि जो है गणेश जी का ध्यान है, विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंद स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिल तद्धस्ता भीरा सेविताम हस्त चक्र दास खेट विस्कृत चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मल्लात्मिकाम सधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। ये दुर्गा का ध्यान है, प्रातर स्वराम भव भीति महार्ति शांति नारायणम गरुण वाहन अब्जनाभम ग्राहा विभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। ये भगवान विष्णु का ध्यान है। इसी तरह से शिव का भी ध्यान है, सूर्य का भी ध्यान है, लेकिन समय भाव है इसलिए सारी बातों को नहीं बताया जा सकता। एक मिट्टी के करवे में चावल भर कर आप उसके ऊपर रखिएगा कलश के ऊपर और कलावा लपेट कर गणेश जी की स्थापना करिएगा। मिट्टी के करवे में पहले चावल भर दीजिए, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ गरी के, अगर बड़ा अनुष्ठान है तो गरी के गोले पे कलावा लपेट दीजिएगा, छोटा वाला गरी गोला लीजिएगा उस पे कलावा लपेट दीजिएगा, और अगर छोटा अनुष्ठान कर रहे हैं तो बड़ी वाली सुपारी ले लीजिएगा उस पे कलावा लपेट करके और गणेश गौरी की स्थापना करिएगा। गाय के गोबर की गौरी होगी, ये ध्यान रखिएगा, गाय के गोबर की गौरी, गौरी जो होंगी वो मतलब कि जो है गणेश भगवान के दाहिने तरफ होंगी और गणेश भगवान बाएं तरफ होंगे, आपके दाहिने तरफ गणेश होंगे जब आप बैठेंगे पूर्व मुंह करके और आपके बाएं तरफ गौरी माता होंगी।
ठीक है। और उसके बाद वहीं बगल में एक और मतलब कि जो है मिट्टी के करवे में चावल भर के रखिएगा, उस पर स्वास्तिक बना दीजिएगा और एक सुपारी पर कलावा लपेट के उस पर सूर्यादिक नवग्रह स्थापित कर दीजिएगा, और फिर एक तीसरे करवे में चावल भरकर उस पर स्वास्तिक बनाकर एक सुपारी पर नीला कलावा लपेट करके उस पर बटुक भैरव की स्थापना कर दीजिएगा। तो भैरव जी की स्थापना माँ दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं इसलिए की जाती है, बिना इनकी पूजा के शक्ति उपासना करना अर्थहीन है। क्यों? जब तक वो मतलब कि भैरव नहीं उपस्थित होंगे तब तक आपकी पूजा निर्विघ्न हो ही नहीं सकती है। आपके पूजा में बिल्ली आ सकती है, कुत्ता आ सकता है, आपके पूजा स्थान में कोई जीव जंतु आ सकता है, आपके दिए को प्रभावित कर सकता है, आपके कलश को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे में कौन रक्षा करेगा? 24 घंटे आप जागोगे? भैरव ही रक्षा करते हैं पूजा स्थान की, इसलिए भैरव की उपासना बहुत आवश्यक है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, कलश स्थापना उसका तरीका आपने विधि तो बता दी, लेकिन अब माता की चौकी स्थापित की जाती है वो किस तरीके से की जानी चाहिए उस पर भी? देखो, उसके बारे में भी मैंने बता दिया है लोगों को, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ कि कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन लकड़ी की चौकी को शुद्ध गंगा जल से धो करके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके माँ की चौकी पर कलश के दाहिनी ओर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं, और नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया तांबे के लोटे में चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला में लोहे की कील लगाकर ब्लाउज की पीस से उसको पिरामिड का आकार बनाकर स्थापित कर दीजिए। मूर्ति या तस्वीर नहीं है, या दुर्गा जी की आपके पास पीतल की या अष्टधातु की मूर्ति है तो सीधे मूर्ति स्थापित कर दीजिए, और माँ को लाल चुनरी चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, धूप फूल इत्र फल जैसे भी जितना बन सके आपको उतने प्रकार से पूजा करिए। माँ दुर्गा की चौकी के पास एक और चौकी स्थापित होती है, इस चौकी पर भी लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक की स्थापना करें। हर रोज पुस्तक की भी पूजा की जाती है, दुर्गा सप्तशती की पूजा करने से साक्षात माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है रात्रि सूक्त में, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियाँ समस्ता सकलाज गस्सु, मतलब सुधा तोमक्षरे नित्यम, हर अक्षर में अमृत के रूप में अगर कोई विराजमान है तो भगवती दुर्गा ही विराजमान है। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं, मनचाहा वरदान देती हैं और घर में सुख शांति लाती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कल से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, और ऐसे में जो लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं उनको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? पंडित जी, सभी चाहते हैं कि व्यवधान ना आए, दीपक बुझे ना बीच में, अखंड दीपक ज्योत जलती रहे, किन बातों का ध्यान रखें इसके लिए? बहुत ध्यान रखना चाहिए, अखंड दीपक जलाना बड़ी बात है लेकिन उसकी सुरक्षा करना उससे भी बड़ी बात है। इसलिए उन्हीं लोगों को अखंड दीपक जलाना चाहिए जो अखंड दीपक की रखवाली कर सकें। अखंड दीपक में हर समय दो बत्तियां डाल के रखिए, परस्पर दो बत्तियां डाल के रखिए, आपको लगने लगे कि पहली बाती जो है वो ख़त्म होने वाली है तो किसी चीज़ से तीली वगैरह से दोनों बत्तियों को सटा दीजिए तो दूसरी वाली बत्ती भी जल जाएगी। सामने बैठकर अखंड दीपक के पूजा करने का फल जो होता है वो हजार गुना होता है। दीपक में हमेशा घी का ही प्रयोग करना चाहिए, वो भी गाय के घी का। अगर शुद्ध गाय का घी न मिले, जैसे कि समय कलिकाल है, बड़ा मिलावटी सामान मिल रहा है, तो अगर आपको विश्वास नहीं है कि घी पवित्र होगा तो आप तिल के तेल का दिया जला लीजिए, भैया कम से कम ये पवित्र तो है, चर्बी तो नहीं है इसमें। अगर ये भी संभव नहीं है, वैसे तो नीम का तेल का भी दिया जलाया जा सकता है लेकिन ये बड़ा धुआं करता है, नीम के तेल का धुआं वैसे तो रोगनाशक होता है लेकिन आपके पूजा स्थान में कहीं कहीं अगर इसको आप जलाएंगे तो आपको घुटन भी महसूस हो सकती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए नीम का दिया बहुत मजबूरी में जलाना चाहिए। माँ दुर्गा की दाहिनी तरफ तेल का दिया और बाईं तरफ घी का दिया रखना चाहिए। दीपक जलाने से पहले जहाँ आप दीपक रखेंगे ना वहाँ चावल गेहूँ या सप्त धान्य का आसन देना चाहिए, दीपक को सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। कालिका पुराण में कहा गया है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को बिना किसी कारण पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है।
अखंड दीपक की बत्ती बार बार नहीं बदलनी चाहिए, दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, वरना इससे ऋण और शत्रु बढ़ते हैं। ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिया जला के रखे हैं, उसी में धूप बत्ती भी जला लेते हैं, उसी से दूसरा दिया भी जला लेते हैं। अरे ऐसा मत करो, इससे कर्ज भी बढ़ेगा, दुश्मन भी बढ़ेंगे। हर बार जो जलाना हो उसमें माचिस का प्रयोग करिए, चाहे धूप बत्ती जलानी हो, चाहे दिया जलाना हो, चाहे कपूर जलाना हो, हर बार माचिस का प्रयोग करिए। किसी जलते हुए दिए से किसी दिए को नहीं जलाना चाहिए, ये दोष है, शास्त्र में वर्णित है, इस चीज का उपाय ध्यान रखिए। पंडित जी दिवाली आने वाली है तो दिवाली में तो एक दिया जलाया, उससे 10 दिए प्रज्वलित नहीं, एक मोमबत्ती जलाइए। दिवाली के दिए से दिया मत जलाइए। क्या होता है, दिए आप सजा के रख दीजिए और एक मोमबत्ती जला लीजिए। अब उसी मोमबत्ती को आप माचिस के रूप में सारे दियों में लगा दीजिए। तो ये पूजा में भी किया जा सकता है। ये पूजा में भी किया जा सकता है। उस दिया से धूप भी नहीं जलाना है? नहीं जलाना चाहिए। मानिए धूप जलाया, वो जब तक आप पूजा कर रहे हैं वो धूप खत्म हो गया, फिर जलानी हो तो? कुछ नहीं होता बेटा, आप माचिस से जलाइए धूप। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो दिया स्थापित हो जाता है। भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। उसको सुस्थिर करने के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि जब तक पूजा न समाप्त हो तब तक प्रभु आप रहिएगा यहाँ पर। तो उनको जलाने में आप क्यों जलाएंगे, उसको आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? पूरे नवरात्र दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, और ये दुर्गा सप्तशती जो है, मैं एक शब्द में कहूं कि ये पूरे जीवन को जीने के लिए, आपके तमाम जो आप चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, उसका एक सबसे बेहतरीन माध्यम है जो इस कलयुग में ईश्वर ने हमें दिया है, अगर मैं ये कहूं तो गलत है? इसमें कोई संदेह नहीं है। दुर्गा सप्तशती इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, इससे जो प्राप्त न हो जाए। लेकिन दुर्गा सप्तशती संपूर्ण रूप से तंत्र है, इसके 700 मंत्र, 700 मंत्र इसके सिद्ध मंत्र हैं। यों तो दुर्गा सप्तशती के पाठ लाखों लोग करते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती के मर्म को जानना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जिस प्रकार वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि ही है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मन्वंतर में स्वयं जगदम्बा का आदेश है, शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम ममत महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता। शरद ऋतु के नवरात्रि में जो मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती को भक्त पूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और संतान से संपन्न हो जाता है। नवरात्र में हर दिन आपको दुर्गा सप्तशती के कितने और कैसे पाठ करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। ये देखिए, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग पूजा पाठ में कभी कभी रुचि रखते हैं। जो लोग नित्य भगवती के आराधक हैं उनके लिए नियम नहीं है। उनके लिए नियम है कि वो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन करेंगे और रोज पूरा पाठ करेंगे। दूसरे दिन आपको दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये मध्यम चरित्र है, इसमें 3 अध्याय पढ़ेंगे तभी ये पाठ पूरा होगा। और चौथे दिन पांचवें, छठवें और सातवें, आठवें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि पांचवें से लेकर 13वें अध्याय तक का अगर आप पाठ कर लें तो ये उत्तम चरित्र का पूरा पाठ हो जाएगा और छिद्र पाठ भी नहीं होगा। पांचवें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, छठवें दिन 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, सातवें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, अष्टमी के दिन हवन करके दुर्गा सप्तशती संपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अगर नवरात्र के 9 दिन के व्रत करते हैं तो पूर्णाहुति नवमी को होनी चाहिए। और हर प्रकार से हवन का कार्यक्रम, कन्या पूजन का कार्यक्रम नवमी को ही होना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो माँ की कृपा आप पर बरसे, हम यही कामना हमारे तमाम दर्शकों के लिए करते हैं।
आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ कालचक्र का हिस्सा बनने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी विशेष जानकारियों के लिए। उम्मीद करते हैं आज का विषय पसंद आया होगा। कल फिर उपस्थित होंगे कालचक्र की टीम जय माता दी का विशेष अंक लेकर। फिलहाल पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।